नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर लेबर इंस्पेक्टर का। ये पार्ट टू है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए देखते कौन कौन से क्वेश्चन है पार्ट टू में। पहला है, आपातकाल के दौरान सर्वाधिक विवादास्पद संशोधन पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वां। नेक्स्ट है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते प्रभावित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है एक, तो ये है एक वैधानिक निकाय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संबंधित है, तो ये संबंधित है भर्ती और सभी सेवा मामलों से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को इससे भाजित करके प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देश की कुल जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने वाली राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी 1999 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सहकारी बैंक सीधे संपर्क में रहती है, तो ये रहती है राज्य सहकारी बैंक से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना का कौन सा दशक कृषि उन्नति के लिए सर्वोत्तम रहा है, तो इसका राइट आंसर है 60 का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधक मजदूरी प्रणाली अधिनियम कानून बना, तो ये बना है 1976 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकासी सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस संगठन की विशेष रूप से स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर है नबार्ड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने फेरा को इसे प्रतिस्थापित किया है, तो इसका राइट आंसर है फेमा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बैंकिंग संबंधित व्यवस्था नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ट्रेजरी प्रचालन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर शुल्क नहीं है, तो इसका राइट आंसर है मार्ग कर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है जयपुर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व की प्रक्रिया के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में होता है, तो उसमें होता है शून्य भार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर कहलाती है, तो ये कहलाती है शक्ति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रेडियोथेरेपी में एक्स किरणों का प्रयोग इसका पता लगाने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है कैंसर का पता करने के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल मेटल इसकी मिश्र धातु है, तो ये है कॉपर और टेन की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट है एक, तो ये है एक शोधन अभिकर्मक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लपेटन के लिए प्रयुक्त सेलोफेन है एक, तो ये है एक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पुनर्योजित सेलुलोस, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफामाइसिन किस रोग के उपचार की औषधि है, तो ये है तपेदिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ताप
दृढ़ी पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैकेलाइट, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक चाय तैयार की जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्पीतक का मुख्य संघटक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, तो ये कहलाता है शुष्क बर्फ, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पीत रस किसकी द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। नेक्स्ट है, व्यावसायिक प्रयोग के लिए कैंसर प्राप्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी अनुपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम। नेक्स्ट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ जिसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरी सब्जियों में, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या क्या होगा, क्या है, तो इसका राइट आंसर है होगा ऑप्शन ए, आर। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोट में LATE को VGZO लिखा जाता है, उसी कोट में SHINE को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर है होगा ऑप्शन सी, VMRSH, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, SHGRIF, QJEPK, D, और यहाँ होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, OLC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रघु से धीमे चलता है और रघु गुरु जितना तेज चलता है, और कृष्णा गुरु से तेज चलता है, सबसे तेज कौन चलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा। नेक्स्ट है, घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच क्रमिक संख्याओं का योग 190 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक शेष से भिन्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्यूलिप। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम ट्राइबल सर्किट टूरिज्म प्रोजेक्ट हॉल हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है, ये करंट का है तो इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक बस्तर डिस्पेचेस ऑफ पेसेज थ्रू द वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वडोदरा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने, वो इसका ये करंट का है तो उसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा आचार शास्त्र समिति का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ये भी करंट का है, इसको भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये करंट के है तो इनको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारावासी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण अवस्थित है, तो जुब्बल नारायण ये है ऑप्शन बी, रोहड़ू में, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शिमला नगर पालिका का निर्माण किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर है 1850 में, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है 1850। नेक्स्ट है, पराशर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंडी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।